दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मूवी रिएक्ट पर। दोस्तों आज मैं साइंस फिक्शन और एक्शन से भरी हुई मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस मूवी का नाम है बेलेरिन एंड ए सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लैनेट। इस मूवी में इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होते हैं कि उन्होंने एक एल्फस नामक सिटी को बनाया होता है जहाँ पर 1000 से भी ज्यादा एलियन की प्रजातियां इंसानों के साथ रहती है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है और हम 2100 सदी का टाइम देखते हैं जहाँ पर इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके होते हैं कि वो अब लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं। और अब हम एक स्टेशन को देखते हैं जो धरती के अंतरिक्ष में घूम रहा होता है और इस स्टेशन का नाम एल्फा होता है और इस स्टेशन को सारे देशों की सरकारों ने मिलकर के बनाया होता है और इस स्टेशन पर 1000 से भी ज्यादा एलियन की प्रजातियां इंसानों के साथ रह रही होती हैं और यहां पर इंसानों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और ज्ञान को इंसानों के साथ बांट रही होती है। ये एल्फा स्टेशन इतना बड़ा और विशाल और भारी होता है जिसकी वजह से ये धरती की गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती पर गिर सकता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया होता है जिससे कि ये अंतरिक्ष में और भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन को मिल सके और वहाँ पर इंसानी सभ्यता को विकसित कर सके। अब इस स्टेशन को धरती के गुरुत्वाकर्षण से निकालकर स्पेस में भेज दिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 400 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ पर हम मूल ग्रह को देखते हैं जहाँ पर एक एलियन सभ्यता रह रही होती है और इन एलियन सभ्यता के लोगों को पल्स कहा जाता है और यहाँ पर ये पल्स लोग सबसे ज्यादा मोतियों की खेती कर रहे होते हैं और ये लोग इंसानों की तरह ही दिखाई दे रहे होते हैं। ये पल्स बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा नेचर फ्रेंडली होते हैं, यानी कि नेचर को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ये साल में एक बार अपने द्वारा की गई मूर्तियों की खेती को अपने प्लैनेट को भेंट में दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक म्यूल रिएक्टर नाम का एक जीव है जिसे अगर एक मोती खिलाया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा संख्या में उन्हें रिलीज करता है, यानी ये रिएक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा संख्या में बना देता है। अब जैसे ही ये मोती इस प्लैनेट के अंदर जाते हैं तो इस प्लैनेट को फिर से एक नई ऊर्जा दे देते हैं, इससे ये पता चल जाता है कि ये मोती बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे शिप्स इनके प्लैनेट के ऊपर लड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से इनके प्लैनेट पर भी तबाही होने लगती है और देखते ही देखते एक बड़ा सा शिप क्रैश होता है। जब ये पल्स उस शिप को देखने के लिए जाते हैं कि उसमें क्या है तब जहाज का ऑटोमेटिक दरवाजा लॉक हो जाता है और ये पल्स उसके अंदर बंद हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी राजकुमारी बाहर ही रह जाती है। इसके बाद एक बड़ा सा जहाज इस प्लैनेट पर गिरता है और इस प्लैनेट को तबाह करने लगता है, लेकिन मरने से पहले राजकुमारी अपने आप को एक ऊर्जा में संचारित कर देती है और स्पेस में अपने आप को छोड़ देती है जिससे कि ये ऊर्जा जिसे भी अपनाए उससे म्यूल ग्रह के बारे में पता चल जाए कि किस तरह से म्यूल ग्रह तबाह हो गया। इसके बाद हम बेलेरियन और उसके गर्लफ्रेंड लॉरलिन को देखते हैं और ये दोनों एल्फा के स्पेशल एजेंट होते हैं और एक शिप पर होते हैं। तभी बेलेरियन को म्यूल ग्रह के बारे में सपना आता है और उसकी नींद टूट जाती है। इसके बाद बेलेरियन एक डिवाइस की मदद से अपने सपने को स्कैन करता है जिससे कि उसे पता चल जाता है कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि ये एक मैसेज था जिसे किसी ने स्पेस में भेजा था, लेकिन बेलेरियन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी हम देखते हैं कि एल्फा का डिफेंस मिनिस्टर इन दोनों को एक मिशन पर जाने के लिए कहता है जिसमें इन्हें म्यूल रिएक्टर नाम के जीव को वापस लाना होता है क्योंकि उसे एक आइगोन नाम के एक एलियन चोर ने चुरा लिया होता है और ये म्यूल रिएक्टर पूरे अंतरिक्ष में अकेलौता ही बचा होता है। इसके बाद ये दोनों एजेंट एक ग्रह पर जाते हैं जहाँ पर रेत के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि इस प्लैनेट के सारे शहर और मार्केट एक दूसरे डायमेंशन में होते हैं जिसे देखने के लिए इन दोनों एजेंट को स्पेशल ग्लास के हेलमेट को पहनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका एक एजेंट पहले से ही होता है जो इन्हें एक बॉक्स देता है जो एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से ये दोनों दूसरे डायमेंशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर ला सकते हैं। डिवाइसेस की मदद से बेलेरियन उस डायमेंशन में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मार्केट हैं और यहाँ की सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेलेरियन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर म्यूल रिएक्टर की डील चल रही होती है और ये डील म्यूल ग्रह के एलियंस के बीच में हो रही होती है। जब बेलेरियन इन एलियंस को देखता है तो वो
हैरान रह जाता है क्योंकि उसने पहले अपने सपने में इन्हें देखा होता है। इस डील में पल्स आइगोन को म्यूल रिएक्टर के बदले इकलौता बचा हुआ मोती देते हैं। तभी बेलेरियन पीछे से आइगोन पर गन पॉइंट कर देता है और उससे म्यूल रिएक्टर को अपने डिवाइस में रखने के लिए कहता है। आइगोन डर की वजह से ऐसा ही करता है और म्यूल रिएक्टर को उसके डिवाइस में रख देता है। साथ में बेलेरियन इकलौते मोती को भी ले लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन बेलेरियन उस डायमेंशन से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है क्योंकि उसका डिवाइस खराब हो गया होता है। तभी आइगोन के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी लॉरलेन बेलेरियन की मदद करती है और उसके डिवाइस को ठीक कर देती है, जिससे कि बेलेरियन और लॉरलेन दोनों वापस आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों म्यूल रिएक्टर को लेकर के अपने स्पेसशिप की मदद से अल्फा स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि अल्फा स्टेशन बहुत ही ज्यादा पहले से बड़ा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका होता है, जहाँ हर तरह के प्राणी रह रहे होते हैं। यहाँ पर एलियंस की बहुत सारी प्रजातियां एक साथ इंसानों के साथ रह रही होती हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा रही होती है। यहाँ पर हर एक तरह के पेड़ पौधे भी होते हैं। अब बेलेरियन और लॉरलेन अल्फा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बेलेरियन कंप्यूटर पर म्यूल ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो म्यूल ग्रह की फाइल को एक्सेस नहीं कर पाता क्योंकि इन्हें सिर्फ यहाँ का कमांडर ही एक्सेस कर सकता है। इसके बाद ये दोनों एजेंट कमांडर से मिलते हैं, जहाँ पर कमांडर इन दोनों से म्यूल रिएक्टर मांगता है, लेकिन ये इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि यह म्यूल रिएक्टर इकलौता है और हमारे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। कमांडर मान जाता है। अब हम देखते हैं कि कमांडर ने एक स्पेशल कमरा बनाया होता है जहाँ पर इसने म्यूल ग्रह के एक पल्स को रखा होता है, जहाँ पर ये उस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसके बारे में किसी को भी अल्फा पर पता नहीं होता है। इसके बाद कमांडर इन दोनों एजेंट को बताता है कि अल्फा पर एक वायरस फैल गया है जो अल्फा के एक हिस्से को नष्ट कर रहा है और इसे हम रेड जोन कहते हैं। यहाँ तक कि हमारा कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है उस एरिया में। यहाँ तक कि हमने जितने भी सोल्जर वहाँ पर भेजे उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। और कमांडर कहता है अगर इसे जल्दी नहीं नष्ट किया गया तो ये अल्फा को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, ये अल्फा पर पूरी तरह से फैल जाएगा। इसके बाद कमांडर एक मीटिंग बुलाता है जहाँ पर एलियंस के सारे अध्यक्ष और सारे देशों के अध्यक्ष होते हैं, जहाँ पर कमांडर इस एरिया को नष्ट करने का प्रस्ताव रखता है। यहाँ पर बेलेरियन और लॉरनी कमांडर के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड एजेंट होते हैं। तभी हम देखते हैं कमांडर ने रोबोट सोल्जर्स की एक स्पेशल यूनिट को तैयार कर रखा होता है जो कि सिर्फ कमांडर की बात को मानते हैं और ये मीटिंग रूम के बाहर ही खड़े रहते हैं। तभी अल्फा की सारी लाइट्स चली जाती हैं और सारे के सारे गेट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, जिससे कि अल्फा की सिक्योरिटी भी समझ नहीं पाती है। तभी मीटिंग रूम में पल्स आ जाते हैं और ये देखते देखते वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक चिपचिपे जार में बंद कर देते हैं और ये कमांडर को किडनैप करके ले जाते हैं। तभी बेलेरियन एक डिवाइस की मदद से जाले को काट कर बाहर आ जाता है और वो पल्स के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ अब अल्फा में लाइट्स आ जाती हैं। इसके बाद लॉरलेन बेलेरियन को रास्ता बता रही होती है। तभी वो पल्स अपने शिप के साथ में उस रेड जोन एरिया में चले जाते हैं, जिनके पीछे पीछे बेलेरियन भी उस रेड जोन एरिया में चला जाता है और उसका संपर्क टूट जाता है। लेकिन अल्फा पर सबको लगता है कि बेलेरियन अब मर चुका होगा, लेकिन लॉरलेन उसके पीछे पीछे जाना चाहती है और उसे बचाना चाहती है। लेकिन यहाँ का चीफ सिक्योरिटी गार्ड इसके लिए मना करता है और वो लॉरलेन को यहाँ के सिपाहियों की मदद से गिरफ्तार करवा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लॉरलेन भी बेलेरियन की तरह मर जाए, क्योंकि ये अल्फा की बहुत ही ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी की एजेंट होती है। इसके बाद चीफ पल्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरलेन सिक्योरिटी गार्ड से लड़कर के अपने आप को छुड़ा लेती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद लॉरलेन तीन जीवों के पास जाती है, क्योंकि ये तीन जीव बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और इन्हें अल्फा के एक एक कोने के बारे में अच्छे से पता होता है। वो इनसे मदद मांगती है और उस रेड जोन एरिया तक पहुंचने का रास्ता मांगती है। इसके बाद ये तीनों जीव एक जगह पर ले जाते हैं, जहां पर ये एक जेली फिश को लॉरलेन को देते हैं और जिसकी मदद से लॉरलेन एक मिनट के लिए बेलेरियन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि बेलेरियन कहां पर है और उसे एक साइन बोर्ड भी दिखाई देता है। इसके बाद लॉरलेन उस साइन बोर्ड का रास्ता इन तीनों जीवों से पूछ लेती है और वहां से लॉरलेन चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरलेन बेलेरियन के पास पहुंच जाती है और बेलेरियन बिल्कुल ठीक होता है। बेलेरियन देखता है कि यहां पर वो अभी भी जिंदा है, यानी कि वो नहीं मर और ना ही यहां पर कोई वायरस है। फिर कमांडर इन सबसे झूठ क्यों बोल रहा था, इससे बेलेरियन समझ जाता है कि कमांडर इनसे कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ
सिक्योरिटी के चीफ मिनिस्टर को पता चल जाता है कि कमांडर ने एक पल्स को छुपा के रखा है। जब कमांडर उस कमरे में पहुंचता है तो वो उस पल्स को आजाद कर देता है। इसके बाद वो पल्स इनसे मदद मांगता है और बताता है उसके जैसे और भी पल्स हैं जो उस रेड जोन एरिया में हैं। ये पल्स बताता है कि वो म्यूल ग्रह का वासी है। इस पर चीफ कहता है कि म्यूल ग्रह तो 30 साल पहले ही नष्ट हो गया, उस पर तो कोई जीव था ही नहीं। इससे चीफ समझ जाता है कि कमांडर उनसे सब कुछ छुपा रहा है, क्योंकि कमांडर को पता था कि वहाँ पर जीव थे, लेकिन कमांडर ने उन सब से झूठ बोला। इसके बाद चीफ एक स्पेशल टीम को उस रेड जोन एरिया में जाने के लिए कहता है, लेकिन ये रोबोट सोल्जर भी उनके साथ जाने लगते हैं, क्योंकि कमांडर ने इन्हें पहले ही वहाँ पर आने का आदेश दे रखा होता है। वहीं दूसरी तरफ बेलेरिन और लॉरलिन एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक चमकीली दीवार दिखाई देती है। तभी उस दीवार के पार से पल्स निकल करके आ जाते हैं और वो लॉरलिन और बेलेरिन को अंदर आने के लिए कहते हैं और अपने साथ में लेकर के जाते हैं। जब लॉरलिन और बेलेरिन दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं ये एक पुराना शिप और यहाँ पर पल्स की पूरी प्रजाति पल रही होती है। यहाँ पर बहुत सारे पल्स होते हैं। तभी बेलेरिन देखता है कि यहाँ पर कमांडर को भी बेहोश करके रखा गया है। इसके बाद बेलेरिन यहाँ के राजा से मिलता है। राजा बेलेरिन को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इससे बेलेरिन को कुछ भी समझ नहीं आता। तब वो बताता है कि राजकुमारी की आत्मा की ऊर्जा तुम्हारे अंदर समा गई है, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है जिससे कि तुम हमारी मदद कर सको। लेकिन बेलेरिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद राजा बताता है कि वो म्यूल ग्रह के निवासी हैं और उनके प्लैनेट को कमांडर ने अपनी लड़ाई में तबाह कर दिया। और वो बताता है कि वो बहुत सालों तक एक शिप के अंदर थे और अंतरिक्ष में भटकते रहे, लेकिन एक दिन अंतरिक्ष के व्यापारियों ने उन्हें ढूंढ लिया और वो एल्फा पर लेकर के उन्हें आ गए और उन्हें यहाँ पर आकर के बेच दिया। जब से हम यहीं पर चुपके से रह रहे हैं और इंसानों और अलग अलग एलियंस के बारे में जान रहे हैं। बेलेरियन उनसे पूछता है तुमने कमांडर को किडनैप क्यों किया। इस पर पल्स का राजा बताता है कि उन्हें उनका म्यूल रिएक्टर चाहिए जिसकी मदद से वो अपने प्लैनेट को दोबारा बना सकते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि ये कमांडर के पास है इसीलिए उन्होंने कमांडर को किडनैप कर लिया, लेकिन उनके पास म्यूल रिएक्टर नहीं था। अब बेलेरियन को सब कुछ पता चल जाता है। तभी कमांडर को होश आ जाता है और ये बेलेरियन और उसके दोस्त लॉरलिन को कमांडर पल्स को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन बेलेरियन कमांडर को मारने लगता है। बेलेरिन कमांडर से पूछता है कि तुमने इनके ग्रह को क्यों नष्ट किया। तब वो बताता है कि लड़ाई में हमें नहीं पता था इनके ग्रह पर जीवन है, और तभी गलती से एक जहाज गिर गया और इनका ग्रह तबाह हो गया, लेकिन अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो हमें एल्फा से निकाल दिया जाता, इसीलिए उसने इनकी सच्चाई को सबसे छुपाया। के बाद बेलेरियन म्यूल रिएक्टर को राजा को दे देता है, जिसके बाद राजा उस मोती को म्यूल रिएक्टर को खिलाता है और वो म्यूल बहुत सारे मोतियों को निकालता है, जिससे कि वो जहाज पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी एल्फा के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए कुछ पल्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी कमांडर अपने रोबोट सिपाहियों को आदेश दे देता है, जिसके बाद वो रोबोट सिपाही इन पल्स को मारने लगते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद बेलेरिन और लॉरलिन इन रोबोट सिपाहियों को मारते हैं और इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसके बाद ये पल्स इस जहाज को एल्फा से निकाल कर बाहर ले जाते हैं और अंतरिक्ष में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर को वहीं पर छोड़ जाते हैं, जिससे कि वहां की सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो हम लास्ट सीन में देखते हैं कि बेलेरिन और लॉरलिन को ये पल्स एक छोटे से जहाज में उतार देते हैं और उसके बाद ये अपने नए ग्रह को बसाने के लिए अंतरिक्ष में चले जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर देना।